ये पुट्ठा मेरे अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता है और अगर ये आने वाले कल में भी जिंदा रहा तो मुझे बहुत तकलीफ दे सकता है। इसकी बेटी रागनी तो मुझे तड़पा ही रही है। रागनी भाभी, मैं नफरत की आग में जलूं या ना जलूं, लेकिन आपके परम पूज्य पिताजी की चिता जरूर जलेगी। स्वाहा। आज तो ये बुड्ढा बच गया, कोई बात नहीं, आने वाला कल और वो खिलाएगा। और ये छोटी मोटी चोटें अब मुझे रोक नहीं पाएंगे। बैजू ने कहा था कि व्हीलचेयर स्केट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसे मैं कल ठीक करा दूंगा। क्या हुआ रागिनी, तुम प्लीज परेशान मत हो। देखो ना, बाबूजी तुम्हारे सामने सही सलामत है। प्लीज 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 तुम अपना मूड ठीक करो प्लीज। भैया सही कह रहे हैं भाभी, भाभी आपके बाबूजी एक बहादुर इंसान है, आप ऐसे उदास होंगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और हुआ ही क्या था, एक छोटा सा एक्सीडेंट चुकी टल चुका है। देवर जी भी ना एकदम कमाल के कैरेक्टर हैं, कभी एकदम घटिया तो कभी एकदम पहले जैसे। हमें कुछ हो जुगाड़ लगा के ना इन्हें पहले जैसा देवर जी बनाना होगा। व्हीलचेयर ठीक हो गई। अरे देवर जी आपका, मिस्टर जी आप करा देते ना ठीक हो। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम एक ही फैमिली के तो मेंबर हैं, हमेशा से एक दूसरे का साथ देते आए हैं। भैया ने ठीक किया या मैंने ठीक किया, एक ही तो बात है। थैंक यू विशु। जितनी सेवा करनी हो इस पुट्ठे की कर लो, अब मैं इसे ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तो किसी ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ के फेंक दिया और अब ये बिजली का झटका, कौन हो सकता है इसके पीछे? हमारा दिमाग ना सोच सोच के परेशान हो रही है, कौन कर सकता है मिस्टर जी? रागिनी अटैकर भले ना पकड़ा गया हो, लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है कि उसे जोर से झटका जरूर लगा है हाथ पे।
नहीं तो व्हीलचेयर कभी छोड़ के नहीं जाता। तुम चिंता मत करो रागिनी, बहुत जल्द वो इंसान पकड़ा जाएगा। समझे में नहीं आ रहा है किस पे शक करे खाना करे। तुम अपना दिमाग मत खराब करो, तुम आराम से बैठो, बैठो यहाँ और कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लो खाओ। मन नहीं कर रहा है मिस्टर जी। वैसे रागिनी, मुझे भी तुम्हारी बात से ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये इंसान जो कोई भी है ना, या तो हमारे घर का ही कोई फैमिली मेंबर है, या कोई ऐसा इंसान है जो हम सबसे बहुत करीब है, जिसको हमारी एक एक बात की खबर रहती है। थैंक यू मिस्टर जी हमारा साथ देने के लिए। हमें आपका दिल नहीं दुखाना है मिस्टर जी, लेकिन अगर हमारे दिमाग। रागिनी, ये इंसान जो कोई भी है ना, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमने अभी तक नहीं किया है। दिखाओ, इतनी सारी चोट, पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी चोट लगी है? अब मैडम, जिसने बताने का क्या था, बोलिए तो। आपकी नजर हमारे ऊपर रहती तो आप खुद जांच लेती। हमारी नजर हमेशा तुम्ही पर टिकी रहती है, समझे? मैडम जी छोड़ दीजिए, कहा है ना कि ये जो मलहम है ना, वो ज्यादा दर्द दे रहा है। तुम बच्चों जैसे रिएक्ट मत करो, तुम्हें अच्छे से बताया इस मलहम से बिल्कुल दर्द नहीं होता है। हम ये दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, मलहम तो जान लेवा एकदम। दिखाओ हाथ। अरे मैडम जी, सब लगाने का जरूरत नहीं है, आप ना खाली मोहब्बत से, प्यार से ना ऐसे फूंक दीजिए, नरम नरम हाथों से सहला दीजिए, ठीक हो जाए। अच्छा ऐसा होता है? क्या लग रहा है हमको? ठीक है तो अब अपना हाथ दिखाओ। एकदम आराम मिल गया हमको, है ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या बोलते हैं वो, अब मलमल में ना बर्फ लपेट के कोई शिकायत कर दिया, एकदम एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। ऐसे मैडम जी, हमको ये चोट जो है ना खाली यहाँ नहीं लगा, और भी लगी है चोट, तुमने पहले क्यों नहीं बताया बैजू? कहाँ? यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ तो बहुत जोरों का लगा। अरे मैडम जी कहाँ जा रहे हैं? क्या है? हाँ क्या है तुमको? क्या है? क्या है? ये तो पूछ रहे कहाँ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें पता है हमें हमें बहुत फक्र है कि हम तुम्हारी वाइफ हैं। तुमने चाचा जी की जान बचाई, उनके साथ जो भी किया वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैडम। ये जो घर है ना, ये हमारा घर है, यहाँ के लोग हमारे अपने लोग, इनके लिए करना क्या करना, अपने लिए तो कर रहे। अच्छा अच्छा। क्या विशु जी? शिट, बहुत दर्द हो रहा है। शिट, आप अरे विशु जी, एक मिनट, ध्यान से आइए, अंदर बैठिए, अंदर आइए, आप आइए बैठिए। पर आपका दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, और आपकी आंखों में क्या हो गया है? आप पता नहीं क्या चला गया, बहुत दर्द हो रहा है। ए, पानी का ठंडा ठंडा छींटा मारेंगे ना आंखों में, ठीक हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, आप पानी लेकर आइए। ये देखो ना जरा, तुम ये देखो ना, ये क्या हुआ? पानी इधर 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 आइए। नहीं तुम रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कमरे में ही चला जाता हूँ। विशु जी संभाल के, विशु जी आप ध्यान से। भाई इधर इधर कहाँ? वो पता नहीं आँख में कुछ चला गया तो इसकी वजह से दिखाई नहीं। आँखों में कचरा रहेगा तो कैसे घर वापस जाइएगा अपने कमरे में? आए चलिए हम छोड़ देते हैं आपको, ठीक है, और आपके साथ रुक भी जाएंगे रात को वहीं पे। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ यार, तुम काम का परेशान हो रहे हो, मैं चला जाऊँ। नहीं नहीं विशु जी से कोई बात नहीं है बैजू, आप प्लीज विशु जी के साथ जाइए प्लीज। एक दो रात नहीं बैजू, सारी जिंदगी ही ऐसे बीतेगी, मैं तुम दोनों को एक होने ही नहीं दूंगा। बैजू आप प्लीज विशु जी के साथ चले जाइए।
क्या हुआ रागिनी? वो हम चेक कर रहे थे, वो आप अभी तक नहीं, नहीं वो मैंने लॉक किया है ताकि तुम आराम से सो सको। पर आप नहीं सोए मिस्टर जी अभी तक? हाँ वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं ये बुक पढ़ रहा था। अच्छा आप बुक पढ़ रहे थे, तो हमें भी पढ़ के बताइए कि आप क्या पढ़ रहे थे, हम भी तो सुने। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्या पढ़ रहा था? अब इस बुक में तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। वो जो बुक है ना वो बुक पढ़ के सुनाता हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद नहीं आएगी लेकिन हमारा जो छोटा ठाकुर है ना उसको बहुत अच्छी लगेगी। लेके आओ। छोटे ठाकुर को अच्छा लगेगा। इसमें लिखा है कि एक जादुई शहर था और वहां पे खूब लंबे लंबे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे, खूब सारे। और तुमको पता है कि उन पेड़ों पर क्या उगता था? क्या उगता था? सिर्फ टॉफीज और चॉकलेट्स। फिर एक दिन उस शहर में एक बड़ा सा राक्षस आया और उसने कहा कि मैं यहाँ पे ये जितने भी पेड़ है ना सबको तोड़ के उखाड़ दूंगा। फिर एक खरगोश था, वो बहुत चतुर था, उसने राक्षस के साथ शर्त लगाई। उसने कहा कि अगर ये जितनी भी गाजर है जो सबसे ज्यादा फास्ट खा लेगा वो शर्त जीत जाएगा। और फिर राक्षस ने और फिर उसके बाद राक्षस सो गया। बड़ी सालिम हो, मैं यहां जागा हुआ हूं और तुम सो गए। हेलो। नींद नहीं आ रही क्या? मैडम जी हमारी नींद तो आपने चुरा ली है, हमको नींद कहाँ से आएगी? आप बताइए आपको नींद काहे नहीं आ रही है? हम बस वो क्या हुआ मैडम जी है? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप, कुछ हुआ है का? परेशान नहीं है सच, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैजू विशु जी अचानक से हमारे कमरे में आए और फिर उनकी आंख में कुछ चला गया और ऐसे ही कल उनके पाँव में चोट लग गई, तो हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये। तो मैडम जी आप ना ये आपका दिमाग का फितूर है, फितूर। आज ज्यादा सोच रहे हैं आप, वकील है ना इसलिए ज्यादा मत सोचिए, ठीक है? और दिमाग को आराम दीजिए, सो जाइए आराम से। शायद तुम सही कह रहे हो। अच्छा तुम हमें ये बताओ कि तुमने मैसेज में हमें जालिम क्यों लिखा था? अब आप जालिम है तो आपको जालिम ही कहेंगे ना। आए हाँ? आप हमसे मिलने नहीं आई जैसे कल रात को आई थी। हम क्यों आए तुमसे मिलने के लिए? हम नहीं आएंगे। देखो आज बड़ी मुश्किल से हमें पूरा बेड मिला है, हम तो आराम से फैल के सोएंगे। हाँ तो ठीक है फैल कर सोइए आराम से, आए हम फोन रखते हैं, बात नहीं कर। रुको, 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 रुको। सॉरी नहीं, हेलो। मतलब हम मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि पूरा बेड हमारा है। आधा तुम्हारा बेड है और आधा हमारा बेड है, बस यही बात है कि हमें तुम्हारे खराटों के बगैर नींद नहीं आती। खराटे हम लेते हैं। हाँ तुम्हें नहीं पता तुम खराटे लेते हो? झूठ बात है एकदम है, खराटे आप लेती हैं। हम? वो भी ना ऐसा जैसे बाजा बज रहा हूँ। हाँ हम बिल्कुल भी खराटे नहीं लेते, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। और जानते हो तुम कैसे खराटे लेते हो? तुम खराटे लेते हो जैसे जोर जोर से नगाड़े बज रहे हो। अच्छा ठीक है हम लेते हैं, ठीक है? और वो भी ऐसा खराटा लेते हैं जैसे बाजा बज रहा हो, ठीक है? वेरी चलिए आप जाइए सो जाइए। नहीं
हम ऐसे नहीं सोएंगे। हम तब सोएंगे जब आप हमें गाना गा के सुनाएंगे। मैडम जी इतनी रात को आए क्या बात कर रहे हैं आप, कोई वक्त होता है? हुँ? अच्छा ठीक है हम गा देते हैं। हम सुन रहे हैं, गाओ। How do I tell you how much I love you? I won't be able to. You don't know. अच्छा गाए ना एकदम। अरे वाह, you don't know. बैजू बन गया जेंटलमैन। नहीं पर तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। अच्छा ठीक है, वो आप गाना गा दिए आपके लिए हम अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में बोल भी दिया आई लव यू, तो अब डायरेक्टली बोलेंगे आपको एकदम एकदम आई लव यू। अच्छा अच्छा, रिप्लाई भी दिया जाता है? हाँ ठीक है, आई लव यू नॉट। हाय गुड नाइट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी कहाँ है? अभी हमको वो चाहिए जो आप हमको हर रात को देती हैं, वो मीठा मीठा और एकदम मिठाई जैसा जो होता है एकदम। अरे वो चॉकलेट जैसा मीठा मीठा एकदम प्यारा प्यारा। अच्छा 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 अच्छा, वो गालों पे एकदम गीला गीला भी कभी कभी होता है। यही तो चाहिए था हमको। अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गया है, हम जाके सोते हैं, अभी सो जाइए। गुड नाइट। इस बार तो आप कितने सारे दिन लगा दिए वापस लौटने में हैं? अब्बा कहा बताएं श्रीमती जी, अभी तक काम खत्म नहीं हो पाया। अभी भी समझ लीजिए हम पूरा जिम्मेदारी ब्रिज के ऊपर छोड़ के आए हैं। और आपने भी यहाँ का कुछ हाल चाल हमको बताया नहीं था, ये तो हम तो बहुत पहले आ जाते। कैसे बताते हैं आपको, हम आ गए हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे अब्बा खुश हो बेटा, खुश हो, खुश हो। बाबा अच्छा हुआ आप आ गए, दरअसल मुझे और रागिनी को आपसे कुछ बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी थी। बोलो बेटा क्या बात है? एक्चुअली ये बात मैं आप सबके सामने नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाएगी। ऐसा कौन सा बात है अनुराग? वो जो बाबूजी का भी कल एक्सीडेंट हुआ था, वो पहली बार नहीं था बाबा। कोई है जो बाबूजी की जान लेना चाहता है। अरे लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? हमको लगता है श्रीमती जी जरूर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा विकराल बाबू। हाँ बहू, तुमको उनसे जुड़े किसी आदमी पर शक है का? नहीं, पहले तो मुझे लगा कि कोई बाहरी आदमी ही होगा जो ये सब करना चाह रहा है, लेकिन बाबा अब हमें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हम सबसे बहुत करीब है, या हो सकता है हमारा कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। अरे विशु बाबू, अब टाइम आ गया है इस खेल के विलेन को एक्सपोज करने का, नहीं तो पास उल्टा पड़ जाएगा। ये कैसा बात कर रहे हो अनुराग, होश में तो हो तुम है? घर का ही सदस्य पर? नहीं नहीं सासुमिया, मिस्टर जी नहीं कह रहे हैं कि वो घर के किसी सदस्य को शक कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा सदस्य है जो हम सबको बहुत करीबी से जानता है, हमारे सारे फैमिली मेंबर को बहुत करीबी से जानता है। मुझे लगता है कि एक ही इंसान हो सकता है जो घर का नहीं है लेकिन घर के बाकी सदस्यों को बहुत करीब से जानता है। तुम किसका बात कर रहे बेटा? बैजू पापा। बैजू? बैजू? बैजू ये एक वो इंसान है जो घर का नहीं है लेकिन सब लोगों को बहुत करीब से जानता है।